Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Hi guys, my name is Muhammad Fiaz and you're watching my YouTube channel. तो आज मैं एक बहुत ही प्यारे मॉल के अंदर आया हूँ, डेलमोनिया मॉल. और इसकी जो सबसे अच्छी बात है और सबसे अट्रैक्टिव बात है, इसका जो रूफ़ टॉप है जो मुकम्मल तौर पे 3D से बनाया गया है, जिसका थोड़ी थोड़ी देर के बाद इसका व्यू चेंज होता रहता है और ये देखने में बहुत ही दिलकश और बहुत ही खूबसूरत है. जो डेकोरेशन है इस हॉल की वो बहुत ही ज़बरदस्त है. तो ये काफ़ी बड़ा मॉल है लेकिन ये एरिया जो है बहुत ही पुरसकून और अट्रैक्टिव है. जैसे आप देख सकते हैं कि अभी भी कितना प्यारा व्यू, और स्पेशली इसकी आप इनकी शॉप्स देख सकते हैं कैसे उमदा तरीके से डेकोरेट हैं. और ये लैम्प्स और इसका फ्लोर, एवरीथिंग इज़ वेरी परफेक्टली दे मेक इट. तो जैसे जैसे हम आगे जाएंगे आपको मज़ीद बताते जाएंगे. इधर इन्होंने बच्चों के लिए वो टॉयज़ बनाए हुए हैं, और जो आजकल इनके जो है हीरोज़ हैं, कार्टून हीरोज़, मूवी हीरोज़, उनके स्टैचूज़ बनाए हुए हैं. बहुत ही ज़बरदस्त और पुरसकून है ये जगह. आज पहली दफ़ा मैं इधर आया हूँ तो मुझे बड़ी ज़बरदस्त लगी है ये. मज़ीद है आपको भी अच्छी लगेंगी जैसे जैसे आप वीडियो देखते जाएंगे. और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं, और दूसरे अपने दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ आप जो है शेयर करें. तो अभी हम आगे जाते हैं और आपको मज़ीद दिखाते हैं. जैसे आप बैकग्राउंड में देख सकें बहुत ही ज़बरदस्त और बड़ा नीट एंड क्लीन नज़र आ रहा है सब कुछ. इसी तरह अभी रूफ टॉप भी आप इसका सेकंड व्यू दिखाएंगे आपको. तो वो भी यानी कि हर जो है वो लम्हों के बाद चेंज होता रहता है इसका रूफ टॉप का व्यू. अभी आप ये नाइट व्यू देख रहे हैं, बहुत ही ज़बरदस्त है. बहुत ही अच्छा लगा आज इधर आके और आप लोगों के साथ ये शेयर करके. ये देख सकते हैं कि नाइट रात का मंज़र कितना खूबसूरत लग रहा है. पुरसकून और घूमने फिरने के लिए बड़ी अच्छी जगह है ये बहरीन में. और आहिस्ता आहिस्ता हम आपको इसके और भी व्यू दिखाते जाएंगे जैसे जैसे ये चेंज होता जाएगा. और ये बहुत ही प्यारा मंज़र होगा देखने में, बहुत ही अच्छा लग रहा है आज इधर आके. काफ़ी दिनों के बाद बाहर निकले हैं. तो ये इसका लोगो, मॉल ऑफ डेलमोनिया, कैसे दिलकश डिज़ाइन है ये. और इसके बाद आप ये देखेंगे कितना प्यारा व्यू स्नो फॉलिंग का. यानी कि आप जितनी भी देर इधर बैठेंगे आप जो है वो बोरिंग फील नहीं करेंगे, इसको एंजॉय करेंगे. कैसा साफ़ सुथरा माहौल है और पुरसकून, दिलकश. अभी इसके साथ ही जो है वो इसका दूसरा व्यू चेंज होने वाला है. ये देख सकते हैं यानी कि इसके हर लम्हे को आप जो है वो एंजॉय करेंगे. ये बच्चों के लिए जो कार्टून्स के उनके डिस्प्लेज वगैरह हैं, गेमिंग वगैरह के, ये इन्होंने छोटी सी बांग्लादेश गैलरी बनाई हुई है जहाँ इसके बहुत
मुख्तलिफ जगहों की पिक्चर्स वगैरह लगी हुई हैं। इसके साथ ही अभी हम आगे चलते हैं। तो ये जो है ये बच्चों के लिए बड़ी ज़बरदस्त जगह है। ये जैसे जैसे ये नीचे आप देख सकते हैं एडवेंचर्स, और इस पे आप ये देख सकते हैं कि डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरीज़ के कार्टून्स बने हुए हैं। ये फन फैक्ट्री, इसमें भी आप देख सकते हैं ये काफ़ी फेमस हैं, इनकी मूवीज़ वगैरह हैं। बहुत ही फनी पिक्सल वर्ल्ड, और ये इस बहुत ही ज़बरदस्त है। और ये मारियो, मैंने बचपन में बहुत ज़्यादा ये खेली है गेम, टीवी पे इसको फिक्स करके, तो टीवी के साथ, और कह रहे हैं कि काफ़ी टाइम स्पेंड करते थे स्कूल से आने के बाद। ये जैसे जैसे आगे तरक्की होती गई और ये करेक्टर मज़ीद बढ़ते गए, ये जैसे मुख्तलिफ स्टार हैं ये मूवीज़ में, वीडियो गेम्स में, और आप लोग जो है वो ये वाली वीडियो को एंजॉय कर रहे होंगे। लेकिन इन सब के बाद भी एक बहुत ही ज़बरदस्त है, और जो मैंने खुद पहली दफ़ा देखा है वो भी आपको दिखाएंगे। बहुत ही ज़बरदस्त और कह लें कि काफ़ी डिफरेंट जो इस मॉल की, जो एक तो आप ऑलरेडी देख चुके हैं कि उसका जो छत है वो 3D की बनी हुई है, और जो इसके इस मॉल की जो सेकंड जो सबसे बड़ी बात है वो भी थोड़ी देर में दिखाते हैं आपको कि बहुत ही ज़बरदस्त है। यानी कि फ़र्स्ट टाइम मैंने देखा है, और बहरी में किसी मॉल में नहीं है ऐसा। होप सो आप भी जो है वो उसको एंजॉय करेंगे। तो ये चीज़ है जो इस मॉल की जो सबसे खूबसूरत है, सब मॉल से डिफरेंट है, और ये आपको सिर्फ इधर ही नज़र आएगी कि ये आप देख सकते हैं कि बहुत बड़ा जार जो ऑलमोस्ट 3-4 फ्लोर तक जो है ना ये बनाया हुआ है इन्होंने राउंड शेप में, और इसके अंदर ये मछलियाँ जो है वो तैर रही हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त हैं, जो कह रहे हैं कि इस मॉल का जो है ना दूसरा सबसे यूनिक एक चीज़ है। और इसके अंदर भी अभी आप देखेंगे कि एक जो उन्होंने बनाया हुआ है, और ये दो आदमी जो लोगों को एंटरटेन करते हैं। अब ये देख सकते हैं बहुत ही ज़बरदस्त, और कितना यानी कि डिफरेंट किस्म का ये चीज़ है। इधर ऐसा लगता है कि जैसे आप समंदर के अंदर इनको जो है ना वो लाइव देख रहे हैं। बहुत ही प्यारा लग रहा है, ये बहुत ही अच्छा मंज़र है। लोग जहाँ के तस्वीरें वगैरह बनवाते हैं इनके साथ, वीडियोस वगैरह, यानी कि काफ़ी ये डिफरेंट और दिलकश है। अब चारों तरफ से आप घूमेंगे तो आप फिर भी देखेंगे कि सेम जो है वो नज़र आएंगे, और इसमें मछलियाँ तैरती हुई नज़र आएंगी। काफ़ी अच्छा है ये, इसका दूर से अगर मंज़र देखें तो वो सामने वो बना हुआ है, और जो इसके हम सेकंड फ्लोर पे हैं, ये इसका आउटसाइड व्यू। अभी ये काफ़ी सारी चीज़ें इसकी दूसरी साइड पे बन रही हैं, जो आने वाले कुछ सालों में
इसको यानी कि चार चांद लगाएंगे। अभी हम थर्ड फ्लोर पे जाते हैं और इधर से आप बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त है। अभी हम आपको टॉप से दिखाते हैं कि जहाँ से वो लोग एंट्री करते हैं और ये इसके ऊपर से ये शार्क फिश घूम रही है इसके अंदर और वो आदमी ऊपर आए हैं जो नीचे स्विमिंग कर रहे थे इसके अंदर। कितना ही खूबसूरत मंजर लग रहा है ये। अभी हम जो है वो नीचे की तरफ जाएंगे ग्राउंड फ्लोर में और ये आपको बाहर का व्यू देख सकते हैं कितना ही ज़बरदस्त। ये ग्राउंड फ्लोर काफ़ी सारे न्यू रेस्टोरेंट्स इधर ओपन होने वाले हैं और स्पोर्ट्स शॉप ये पेंटिंग के लिए। ये बाहर का व्यू। अभी हम घर की तरफ जा रहे हैं। आज काफ़ी बड़ा दिन था, काफ़ी घूमे, शाम भी होने वाली है, घर की तरफ जा रहे हैं हम लोग। सूरज भी ढल रहा है तो उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई होगी। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं और ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ शेयर करें और वीडियोस का एंजॉय किया करें और अपनी कीमती राय भी दिया करें कमेंट्स बॉक्स में, ताकि मज़ीद आपको जो है वो बहरीन के बारे में बताएँ, बहरीन की मुख्तलिफ जगहों पर। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।